हेलो एवरीवन, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में, जो थर्ड सेमेस्टर है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, थर्मल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स भी इसको बोलते हैं, इसको थर्मल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में इसको बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें कि इस चैप्टर में है क्या और हमें क्या पढ़ना है इस सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। तो पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें पढ़ना है वो है आपका फंडामेंटल कंसेप्ट्स। फंडामेंटल कंसेप्ट्स का मतलब हो गया कि जो बुनियादी बातें हैं, जैसे कि तापमान क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फिर वॉल्यूम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटल कंसेप्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि इस फर्स्ट यूनिट में दी हुई हैं फंडामेंटल कंसेप्ट्स में, जो एक दो टॉपिक वाइज दिया हुआ है, लेकिन उसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो वो एक सब्जेक्ट बन के आता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल कंसेप्ट्स वाला। जैसे एक टर्म है एंट्रोपी, एंट्रोपी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है, उसको समझाया जाएगा आपको जब ये क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेंगी तब। फिलहाल आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि 5 अक्टूबर से आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चलने का, जो कि हमारे जो संस्थान है उसने डिसाइड किया है कि 5 तारीख से आप लोगों की क्लासेस चलेंगी, पेड क्लासेस चलेंगी, ये याद रहे आप लोगों को, ठीक है। सेकेंड है आपका लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस। तो आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे लॉज पढ़ रखे होंगे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रो का नियम, वो सारे लॉज हम पढ़ेंगे इसमें, लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस। परफेक्ट गैस, आइडियल गैस, रियल गैस, ठीक है, आइडियल गैस क्या होती है, परफेक्ट गैस क्या होती है, वो सारी भी बातें हम इस चैप्टर में करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस ऑन गैसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन से प्रोसेसेस, कौन कौन से प्रक्रम हम इसके अंदर करेंगे गैसेस में, वो हम पढ़ेंगे इसमें, इस टॉपिक में। जैसे कि आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोथर्मल, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, आइसोकोरिक, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो सारे प्रोसेसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, उसको कॉन्सेप्ट, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और जब न्यूमेरिकल्स आप करेंगे ना, तो बहुत सारा आपका जो डाउट्स है, बहुत सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हर जगह, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो जेई का हो या फिर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो, लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या फ्यूचर में इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो उसके एंट्रेंस टेस्ट में इस ये जो चैप्टर है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, वो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम, स्टीम की प्रॉपर्टीज़, ये जो बेसिकली चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, वो जनरेटर्स का या फिर कह लीजिए बॉयलर्स का चैप्टर है, जो कि आपके नीचे लिखा हुआ है सिक्स्थ पॉइंट जो लिखा है, स्टीम जनरेटर्स। स्टीम जनरेटर्स को और भी क्या कह सकते हैं हम लोग, बॉयलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉयलर्स। बॉयलर्स स्टील कंटेनर होता है, उसके अंदर हम वाटर वेपर्स तैयार करते हैं, उस वाटर वेपर्स को हम यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज, चाहे वो आप किसी स्पेस की हीटिंग के लिए यूज़ कर लें, या फिर उस बॉयलर से जो स्टीम निकल लेती है जिसका तापमान और दाब बहुत ज़्यादा होएगा, उस स्टीम का हम यूज़ करते हैं टर्बाइंस चलाने में, क्लियर। जब टर्बाइंस रोटेट करेगी तो फ्लक्स लिंक विद द कॉइल भी चेंज होगा, और जब कभी भी फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और हम यूज़ करेंगे क्या, स्टीम का, स्टीम जनरेटर्स में टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी
टू जनरेट पावर। क्लियर? द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम और स्टीम जनरेटर्स दोनों इकट्ठे पढ़ने का टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम पढ़ेंगे कि स्टीम का टेम्परेचर कितना, प्रेशर कितना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वेट स्टीम क्या होती है, ड्राई स्टीम क्या होती है, ठीक है, रैंकाइन साइकिल क्या होती है, सेचुरेशन कर्व्स क्या होते हैं, वो सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, तो बहुत ध्यान से पढ़ने वाला है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं तो आप करने की कोशिश करें। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सेवेंथ पॉइंट, एयर स्टैंडर्ड साइकिल। एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब ये है कि हम बहुत सारी साइकिल्स को जानते हैं, वो साइकिल्स हैं बेसिकली ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, दो आर ऑल्सो द एयर स्टैंडर्ड साइकिल। हालांकि उन साइकिल्स को फिर हम आईसी इंजन में पढ़ते हैं, लेकिन ये दोनों देखिए चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10, वो एक ही टॉपिक्स पर हैं, तो हम दोनों को एक साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है। एयर स्टैंडर्ड साइकिल में बहुत सारे साइकिल्स हैं, जैसे आपका हो गया ऑटो साइकिल, ये डीजल इंजन में, सॉरी पेट्रोल इंजन में यूज़ होता है। फिर हो गया आपका डीजल इंजन में यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट साइकिल्स हैं, साइकिल में कौन सा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे होगा, माने समान दाब पे, कौन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, वो अलग अलग प्रोसेसेस हैं। वो सारे प्रोसेसेस हमने किस में पढ़ रखे हैं, इस चैप्टर में पढ़ रखे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। उन प्रोसेसेस का यूज़ करेंगे साइकिल्स में, ठीक है। वो साइकिल्स फर्दर यूज़ होंगी किस में, आईसी इंजन्स में। देखिए कितना इंटरलिंक चीज़ें हैं। इंटरलिंक क्या है, जो प्रोसेसेस हैं इन प्रोसेसेस का यूज़, इनको पढ़ करके हम यूज़ करेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल में। एयर स्टैंडर्ड साइकिल मतलब ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, उन साइकिल्स का यूज़ करेंगे हम आईसी इंजन्स में। फिर कैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, कैसे हम प्रेशर बढ़ेगा, कैसे हम आईसी इंजन की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आईसी इंजन्स में। एयर कंप्रेसर्स एयर को कंप्रेस करने का जो सिस्टम है वो पढ़ेंगे हम एयर कंप्रेसर्स में। अब एयर कंप्रेसर बेसिकली होता क्या है, एक सिंपल मशीन है, और वो एयर को क्या करती है, ज़्यादा वॉल्यूम एयर को कम वॉल्यूम में ले आती है। वॉल्यूम माने आयतन, ज़्यादा आयतन वाली एयर को वो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, कम आयतन में करेगा। एक ऐसा कहाँ होता है, ऐसा होता है आपने देखा होगा जहाँ पर आप मोटरसाइकिल का हवा भराते हैं, एक बड़ा सा सिलेंडर रखा होता है, उस सिलेंडर में कंप्रेस्ड एयर है, हवा को लिया और एक कम वॉल्यूम में ज़बरदस्ती ठूस ठूस के भर दिया। भरने से क्या होगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब कभी वाल्व खोलेंगे तो प्रेशर बहुत तेज़ी से निकलेगा। जब कभी भी प्रेशर बहुत तेज़ी से निकलेगा तो उसका यूज़ डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए कर सकते हैं आप। ट्यूब्स में हवा भरने के लिए कर सकते हैं, दरवाज़ों को खोलने के लिए भी कर सकते हैं, ब्रेक्स लगाने के लिए भी कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों का यूज़ होगा एयर कंप्रेसर में। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रक्स जब भी ब्रेक्स लगाते हैं तो आवाज़ आती है, जैसे लगता है कि कहीं से हवा निकली, कहीं से एयर लीक हुआ, वो बेसिकली एयर कंप्रेसर्स का यूज़ करके एयर ब्रेक्स का एप्लीकेशन है, एयर ब्रेक्स लगाए जाने। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, हीट ट्रांसफ़र के मोड्स पूछेगा इसमें, वो डिस्कस करना है हमें, जैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है, वो उनके डिटेल स्टडी है कि कौन सा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र सबसे तेज है, सबसे अच्छा है, कौन सा मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, तो कंडक्शन में ज़रूरत पड़ती है, रेडिएशन में मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मीडियम का मतलब है कि माध्यम, क्या सूरज से रोशनी आने के लिए पृथ्वी पर किसी माध्यम की आवश्यकता है, नहीं, तो रेडिएशन बिना माध्यम वाला हीट ट्रांसफ़र का एक मोड है। मतलब रेडिएशन के केस में हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि कंडक्शन कन्वेक्शन में पड़ती है, तो वो पढ़ेंगे हम इसमें। आईसी इंजन्स मैंने बता दिया, आईसी इंजन्स उसका डिज़ाइन, कितना बड़ा सिलेंडर का डायमीटर होगा, कितना स्ट्रोक लेंथ होगा, पिस्टन कैसे रेसिप्रोकेट करता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आईसी इंजन्स में। हालांकि इसके जो मेन जो कोर है इसका, विच इज़ एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, वो हमने पहले ही पढ़ रखा है, उसको जब ये पढ़ेंगे तो वापस रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है। नेक्स्ट है 11th चैप्टर, स्टीम टर्बाइन एंड स्टीम कंडेंसर्स। मैंने बताया स्टीम का यूज़ करते हैं हम स्टीम टर्बाइंस को रन करने के लिए, ताकि जब स्टीम टर्बाइंस जब रोटेट करेंगी तो उस रोटेशन से हम क्या करेंगे, एक जनरेटर या ऑल्टरनेटर में हम उसको कपल कर देंगे। कपलिंग से क्या होगा कि जब टर्बाइन घूमेगी तो ऑल्टरनेटर घूमेगा, और जब ऑल्टरनेटर घूमेगा तो वी विल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? स्टीम कंडेंसर्स, संघनन, ठीक है, स्टीम कंडेंसर्स। देखिए स्टीम जनरेट करना है, स्टीम जनरेट करने के बाद हमें उसे कंडेंस भी करना है, संघनित भी करना है, क्योंकि स्टीम ने अपना काम कर दिया, उसने टर्बाइन को रोटेट कर दिया,
रोटेशन के बाद हम कंडेंस करके उस स्टीम को वापस लाएंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर से हीट करेंगे और फिर से उसको रीयूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे स्टीम कंडेंसर्स। एंड द लास्ट टॉपिक, 12th टॉपिक इज गैस टर्बाइन एंड जेट प्रोपल्शन। गैस टर्बाइन ब्रेटन साइकिल का यूज़ करता है गैस टर्बाइन, और कैसे गैस टर्बाइन का यूज़ होगा फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बनाने में। साथ ही साथ गैस टर्बाइन का यूज़ होता है आपका रॉकेट प्रोपल्शंस में, गैस टर्बाइन का यूज़ होता है जेट इंजन्स में, गैस टर्बाइन का यूज़ होता है एरोप्लेन्स में, वगैरह वगैरह बहुत जगह पे इसका यूज़ होता है। ठीक है, जेट प्रोपल्शंस, जेट क्या होता है, जेट होता है बेसिकली जब बहुत तेज़ी से हाई प्रेशर गैसेस रिलीज होती हैं तो उसे एक थ्रस्ट मिलता है, जिससे कि जो थ्रस्ट मिलता है उसकी वजह से रॉकेट या एरोप्लेन मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें मीडियम पर डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमें पढ़ने हैं थर्मल इंजीनियरिंग में। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि थर्मल इंजीनियरिंग में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आप डेट याद रखिए, डेट है आपका 5th of October। उस टाइम तक आप किसी भी तरीके से मैनेजमेंट से बात करके और आप जो भी फीस है वो सबमिट करके क्लास अटेंड करना शुरू कर दिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। ओके, टेक केयर, बाय बाय।